श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा जो यहाँ पे आज भगवान तुंगनाथ के कपाट आगामी वर्ष 2018-19 के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा जो भी व्यवस्थाएं नियमानुसार यहाँ पे यात्रियों के लिए चाहे रहने की हो चाहे यहाँ पे भोग पूजा में जो भी यहाँ पे व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से कर दी गई है। और मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे देश और विदेश के यात्रियों से पर्यटकों से श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में भगवान जो ये है जो है बहुत ऊंचा मंदिर है भगवान तुंगनाथ का, आप यहाँ पे आए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। और भगवान तुंगनाथ से प्रार्थना करूंगा कि देश के अंदर कहीं भी जैसे कोई आपदाएँ हैं उन पर रोक हो, किसान लोग हैं हमारे उनके अन्न में वृद्धि हो, उद्योगपति हैं उनका जो है उद्योग अच्छा चले, ताकि वो लोग इस हमारे इस क्षेत्र में आए और अपने धन का प्रयोग हमारे इन धार्मिक स्थानों में इन मठ मंदिरों के निर्माण में अपना योगदान करें। ये हमारा सौभाग्य है कि आज तृतीय केदार के कपाट खुले हैं और हमको भी भगवान के दर्शन करने का मौका मिला। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि तुंगनाथ जी जो तृतीय केदार के साथ साथ एक बहुत खूबसूरत ट्रैक के बाद 3.2 किलोमीटर ट्रैक के बाद आप तुंगनाथ पहुंचते हैं और इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे अधिक अच्छी जैव विविधता का क्षेत्र यह है और इस क्षेत्र में लगभग 300 प्रजातियों की पक्षियां हैं। तो ये क्षेत्र न केवल धार्मिकता अपने पौराणिकता अपनी परंपरा के लिए माना जाता है बल्कि इस क्षेत्र को हम वन्य जीव प्रेम के लिए ट्रैकिंग के लिए और पक्षी विशेषज्ञों के लिए हम इसको स्वर्ग मानते हैं और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे इस क्षेत्र में सुख शांति दे, समृद्धि दे और देश का ऐश्वर्य दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। गुरु जी